एलएसी पर जारी तनाव के बीच में चीन से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है कि चीन ने जंग का ऐलान कर दिया। वहीं चीन भारत के खिलाफ वायरस अटैक वाली खतरनाक साजिशें रच रहा है। इधर भारत ने भी जंग की तैयारियों को और ज्यादा मजबूत करते हुए चीन के दबदबे वाला क्षेत्र फिंगर चार पर अपना कब्जा जमा लिया है। ऊंची चोटी पर भारत के इस पराक्रम से चीन बेहद डरा हुआ है और उसके युद्ध के साजो सामान अब भारत के सामने बौने साबित हो रहे हैं। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं की तैयारियों से जुड़ी 9 बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 एलएसी के रण में। एलएसी पर जारी तनाव के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आई है। चीन ने अमेरिका और भारत से जंग को लेकर अपनी सेना को तैयार रहने को कहा है। चीन के कार्य अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के जंग के ऐलान का दावा किया। चीन ने अपने लोगों से भी युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन के मुताबिक अमेरिका पड़ोसी देशों को चीन के खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा है। एलएसी पर चीन केमिकल युद्ध के खतरनाक साजिश रच रहा है। खुलासा हुआ है कि चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना पर कोरोना वायरस से अटैक कर सकता है। इसका इशारा भी चीनी मीडिया के ट्वीट से कई बार लग चुका है। भारत के खिलाफ किए जा रहे ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट में भी कई बार भारतीय सैनिकों को कोरोना वायरस से डराने की कोशिश की गई। भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन भारत के खिलाफ मिनी वॉर शुरू कर सकता है। खुलासा यह भी हुआ है कि 15 से 20 सितंबर के बीच भारत चीन में मिनी वॉर हो सकती है। उस समय एलएसी पर बर्फबारी का वक्त होगा। चीन के मंसूबे को भांपते हुए भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। भारत चीन सीमा से सटे लद्दाख में अगले 96 घंटे बेहद अहम है। बर्फ गिरने से पहले चीन हमले की तैयारी में जुटा है। इसके लिए चीन युद्ध के लिए साजो सामान जुटा चुका है, लेकिन भारत की जबरदस्त तैयारी के आगे चीन की तैयारी बौनी है। अगर एलएसी पर युद्ध हुआ तो चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एलएसी पर भारत के जाबाज सैनिकों ने बड़ी फतह की है। देश के शूरवीरों ने फिंगर फोर पर अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ पहले चीन का दबदबा था, लद्दाख में भारत की ये बड़ी रणनीतिक जीत है। पहले हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप के बाद अब पेंगोंग की ऊंची पहाड़ी फिंगर फोर पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया है। इसके साथ ही चीन से सटी चोटियों पर भारत की स्थिति पहले से मजबूत हो गई है। 29 से 30 अगस्त को पेंगोंग में हुई झड़प के बाद भारतीय सेना का फिंगर फोर पर कब्जे का प्लान बना। 2 सितंबर से 28 स्पेशल टीमों ने चढ़ाई शुरू की, जिसमें 20 से 30 ट्रैकर और स्पेशल फोर्स के सैनिक शामिल थे। 10 से 12 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों ने वहां 3 से 4 नई पोस्ट बना ली। फिंगर फोर की ये वो चोटी है जहां आज तक चीन नहीं पहुंच सका। अब भारत यहां से चीन की हर हरकत पर आसानी से नजर रख सकता है। पेंगोंग में ऊंची पहाड़ी पर भारतीय सैनिकों की मजबूती हो या एयरफोर्स में शामिल राफेल फाइटर हो, चीन इतना डर चुका है कि बार बार वो गीदड़ भभकियों से अपना मन बहला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि ऊंची चोटियों पर चाहे भारत की तैनाती हो या लड़ाकू विमान राफेल पीएलए के सामने टिक नहीं पाएंगे। चीन ने कहा है कि भारत ऊंची चोटियों से अपनी सेनाएं हटाए। एलएसी पर बढ़ते तनाव और हालात की जानकारी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और एनएसए अजीत डोवाल के साथ इस मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। 2 घंटे चली बैठक में चीन से निपटने की रणनीति और सेना को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में भारत चीन कमांडर लेवल की बैठक पर भी चर्चा की गई। एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सामने सीडीएस बिपिन रावत की पेशी हुई, जिसमें एलएसी पर जारी टकराव का मुद्दा उठा। समिति के सदस्य शरद पवार ने भारत चीन के बीच तनाव को लेकर रक्षा मंत्रालय और सीडीएस से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा है। समिति के बाकी सदस्यों ने सीडीएस से विस्तार से प्रेजेंटेशन देने को कहा।